हेलो सो गाइज, वेलकम बैक योन चैनल वेल्थ इन्वेस्ट। सो गाइज, आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि आप किसी भी कंपनी का चार्ट को किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं। देखिए, आपने जो इंडिकेटर सीखा है वो आपको बाद में काम में आएंगे, लेकिन आप किसी भी कंपनी का अगर ब्लैंक चार्ट ओपन करते हो तो ये चार्ट के ऊपर ऐसी कौन सी बेसिक चीज़ें हैं जो कि स्टैंडर्ड है, आपको सबसे पहले देखनी चाहिए, तो हम उसी का डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और इस चीज़ को आपने टीवी पर भी काफ़ी बार सुना होगा कि टेक्निकल एनालिसिस के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आते हैं और बोलते हैं कि चार्ट को देखिए, चार्ट को एनालाइज करिए, लेकिन हमें कोई ये नहीं बताता कि हमें चार्ट के ऊपर क्या देखना चाहिए। ऐसे कौन से पॉइंट है, ऐसे कौन से टॉपिक है जो कि हमें चार्ट के ऊपर देखना चाहिए? अगर गाइज आप किसी भी कंपनी का ब्लैंक चार्ट को ओपन कर रहे हो तो इस चार्ट में कुछ बेसिक सी चीज़ें होती है जो कि आपको सबसे पहले देखनी चाहिए। इंडिकेटर आप लगाते हो वो अच्छी बात है, ये बात की बात है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी ही है। तो गाइज, मैं आपको यहाँ पर ऐसे 6 पॉइंट बताने वाला हूँ जो कि आपको सबसे पहले ब्लैंक चार्ट के ऊपर इनको एनालाइज करना चाहिए। इनमें गाइज जो पहला पॉइंट है वो है ट्रेंड। आप किसी भी शेयर को बाय करने जा रहे हो, सबसे पहले इनके चार्ट को आप देखिए और इनमें ट्रेंड देखिए कि शेयर का जो ट्रेंड है वो कौन से डायरेक्शन में है। देखिए, तीन प्रकार के ट्रेंड होते हैं। पहले होते हैं अप ट्रेंड, दूसरे डाउन ट्रेंड और तीसरे जो होते हैं वो होते हैं साइडवे ट्रेंड। तो जो अप ट्रेंड होता है इसमें आपको हमेशा बाय करने का है, और जो डाउन ट्रेंड होता है इसमें आपको हमेशा सेल करने का है, और जो साइडवेज ट्रेंड होता है इसमें आपको एक रूल्स बना देने का है कि उसमें मुझे काम ही नहीं करने का है, चाहे कुछ भी हो जाए। इस अगर आपको इस तरह का चार्ट अगर देख जाए साइडवेज ट्रेंड का, तो आपको इनमें काम ही नहीं करने का है। गाइज, आपको जो सेकंड नंबर का पॉइंट देखने का है वो देखने का है जो स्ट्रेंथ, यानी कि आपने जो ट्रेंड चेक किया चाहे अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, इनकी जो स्ट्रेंथ है यानी कि मजबूताई, कितनी मजबूताई है। अगर अप ट्रेंड है तो ऐसा तो ट्रेंड नहीं है ना कि हमने किसी शेयर को बाय किया अप ट्रेंड समझ के और 3-4 दिन में ट्रेंड ख़त्म हो गया, तो इस तरह का ट्रेंड नहीं होना चाहिए। अगर डाउन ट्रेंड है तो वो कितना नीचे तक जा सकता है, यानी कि कितना मजबूत ट्रेंड है, तो इनकी स्ट्रेंथ भी हमें चेक करनी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और जो थर्ड नंबर का पॉइंट है इसमें आपको चेक करने का है मोमेंटम, यानी कि किसी भी स्टॉक है इनका हमने ट्रेंड चेक कर लिया है, इसके बाद हमने स्ट्रेंथ भी इनकी चेक कर लिया है, इसके बाद हमें थर्ड नंबर का पॉइंट जो टॉपिक है ये है मोमेंटम, यानी कि किसी भी स्टॉक है वो कितना मूवमेंट करता है, यानी कि जब भी वो नीचे गिरता है तो कितना नीचे गिर जाता है। अगर वो ज़्यादा नीचे गिर जाता है यानी कि ज़्यादा मोमेंटम वाला स्टॉक है, अगर ज़्यादा मोमेंटम वाला स्टॉक है तो इनको आपको हटा देने का है। इस तरह के स्टॉक को आपको नहीं चाहिए, आपको ऐसा स्टॉक चाहिए जो कि ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होना चाहिए और स्मूथली अप ट्रेंड में चलता रहे या डाउन ट्रेंड में चलता रहे, किसी भी ट्रेंड में चलता रहे, लेकिन में जो बीच बीच में मोमेंटम आती है वो मोमेंटम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि मोमेंटम अगर ज़्यादा रहेगी तो आपको स्टॉप लॉस लगाने में दिक्कत आएगी, क्योंकि आप तो स्टॉप लॉस वहाँ लगाओगे जब यहाँ पर इनका बॉटम होगा। अगर मान लेते हैं कि ये निफ्टी 50 का चार्ट है, ठीक है, इनमें देखिए मोमेंटम यहाँ से यहाँ तक की हो गई, तो अगर आप स्टॉप लॉस यहाँ लगा रहे हो तो ये एरिया बहुत ही बड़ा हो जाता है, तो इस तरह की मोमेंटम नहीं होना चाहिए किसी भी स्टॉक में। इसके बाद फोर नंबर का पॉइंट आपको देखने का है, वो देखने का है रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो, यानी कि रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो है वो आपके फेवर में होना चाहिए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि अगर आप एक रुपये का स्टॉप लॉस लगा रहे हो और इनके सामने आपको एक ही रुपये का रिवॉर्ड मिल रहा है, इस तरह से का नहीं होना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए वो 3.1 होना चाहिए, 3:1 होना चाहिए, यानी कि अगर आप एक रुपये का रिस्क ले रहे हो तो इसके सामने आपको 3 रुपये मिलना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि 50-50, ऐसा 50-50 भी नहीं होना चाहिए, एक रुपये के सामने 1 रुपये का रिस्क नहीं होना चाहिए। अगर हम 1 रुपये का रिस्क ले रहे हैं तो इसके सामने हमें 3 रुपये मिलना ही चाहिए। तो इस हिसाब से हमें देखने का है कि क्या इतना स्टॉक ऊपर जा सकता है, अगर इतना ऊपर जाता है तो ही हमें इनमें ट्रेड करने का है, अदरवाइज इनको हमें अवॉइड करने का है, दूसरे स्टॉक का चार्ट हमें निकालने का है।
और फाइव नंबर का पॉइंट हमें जो देखने का है ये वो है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ कितना है, यानी कि ये जो स्टॉक है इनके जो रिलेटिव स्टॉक है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। देखिए इनको चेक करने के लिए आप दो तरीके से चेक कर सकते हो। पहला तो इस स्टॉक को आप निफ्टी के साथ आप कंपेयर कर सकते हो, दूसरी बात कि उसी स्टॉक को उसी सेक्टर के जो दूसरे स्टॉक है इनके साथ भी आप कंपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको ये देखने का है कि निफ्टी 50 अगर 5% गिरता है तो ये स्टॉक क्या ज़्यादा गिर जाता है। अगर निफ्टी 50 5% ऊपर जाता है, यानी कि 2% 5% निफ्टी 50 ऊपर जाता है, तो ये स्टॉक क्या निफ्टी 50 से ज़्यादा ऊपर गए थे, या ऐसा तो नहीं था ना कि मार्केट पूरी 5% ऊपर गई थी और ये स्टॉक बिल्कुल रनअप ही नहीं किया। तो अगर इस तरह का स्टॉक है तो हमें इस स्टॉक को अवॉइड करने का है। इसकी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है ये आप दूसरी तरीके से भी माप सकते हो, जैसे कि उसी सेक्टर का दूसरे भी स्टॉक होते हैं, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर का देख लीजिए तो बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स है। अगर आपको ऐसे में किसी स्टॉक को बाय करने का है तो इनके दूसरे भी देखना पड़ेगा कि दूसरे स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये स्टॉक अगर 2% ही रनअप कर रहे हैं लेकिन दूसरे स्टॉक 5-5% रनअप कर रहे हैं, तो फिर ये स्टॉक बाय करने का हमारा कोई मतलब ही नहीं रहता, हमें दूसरे स्टॉक को बाय करना चाहिए। देखिए कई बार क्या होता है, हमने काफ़ी बार ऐसा देखा है कि किसी भी कंपनी का स्टॉक से इनमें कंपनी तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही लेकिन इनकी जो प्राइस है, शेयर की प्राइस है, वो काफ़ी ऊपर चली जाती है। और कुछ स्टॉक ऐसे भी होते हैं जो कि कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही लेकिन उनकी शेयर की प्राइस कभी बढ़ती ही नहीं। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स आपको दिख जाएंगे जो कि कभी ऊपर गए ही नहीं, बहुत सारे लोगों ने इनको निचले लेवल पे लेके अभी तक भी बैठे हैं लेकिन वो स्टॉक कभी परफॉर्म ही नहीं करता। तो ये भी हमें देखना चाहिए कि क्या हमारा स्टॉक तो ऐसा नहीं ना कि आगे जाके परफॉर्म नहीं करेगा, हमारा स्टॉक ऐसा होना चाहिए जो कि दूसरे जो सेक्टर के स्टॉक से इससे बेहतर परफॉर्म करना चाहिए। तो इस तरह से किसी भी स्टॉक को बाय करने से पहले इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ चेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आपको छठे नंबर का जो पॉइंट चेक करने का है वो चेक करने का है मैच्योरिटी। अगर आप किसी भी स्टॉक को, अगर आपने देखा कि ये स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है तो कहीं इनका जो ट्रेंड है वो कहीं मैच्योर तो नहीं हो रहा, यानी कि ये ट्रेंड ख़त्म तो नहीं होने वाला ना। समझ लीजिए कि किसी स्टॉक है 20 रुपये से ऊपर चलना शुरू हो गए और ये स्टॉक पहुंच गया सीधा 200 रुपये पे, तो वहाँ पर आपको देखने का है कि क्या ये 200 रुपये से ऊपर जा सकता है, क्योंकि पहले ही वो 20 का था और 200 हो गया, यानी कि 10 गुना हो गया, तो फिर 200 का तो 10 गुना नहीं होगा। तो आपको ये भी देखने का है कि इनका जो ये ट्रेंड था, चाहे अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, वो कहीं ना कहीं जाकर मैच्योर तो नहीं हो रहा है ना। अगर ट्रेंड इनका ख़त्म होने आया है और आप यहाँ पर इनको बाय करते हो तो आपका हो सकता है कि रिस्क आपका ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो हमें ये भी चीज़ को देखनी चाहिए। तो गाइस ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक थे जो कि मैंने आपको बता दिया है। एक बार फिर से मैं सभी आपको बता देता हूँ कि पहला आपको चार्ट खोलते ही आपको सबसे पहले चेक करने का है ट्रेंड, ट्रेंड देखने के बाद आपको चेक करने का है उनकी स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ चेक करने के बाद तीसरा जो पॉइंट है वो है मोमेंटम, यानी कि आपको मोमेंटम भी देखने की है। चौथा पॉइंट है रिस्क एंड रिवर्ट रेशियो जो कि आपके फेवर में होना चाहिए। पांचवा नंबर का पॉइंट आपको देखने का है वो रिलेटिव स्ट्रेंथ, यानी कि ये जो स्टॉक है इनके कंपेयर में दूसरे स्टॉक उसी सेक्टर के वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। और जो छठा नंबर का जो पॉइंट है वो ट्रेंड की मैच्योरिटी को देखने का है। तो ये 6 पॉइंट थे जो कि आपको हर चार्ट के ऊपर आपको देखना चाहिए। अगर गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।